गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज लाइव आने का बड़ा खास मकसद है, और मैं पिछले महीने भी 12 अक्टूबर को लाइव आया था और डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है और हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा व्यापार बनने वाला है, लेकिन नया आदमी है उसको कुछ पता नहीं होता है तो बेचारा कन्फ्यूज हो जाता है। तो कैसे वो इस कारोबार में बड़ा बन सकता है और क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए, और ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज वीडियो है कि कोई भी कंपनी कर रहा हो वो इसको देख सकता है, सुन सकता है और अपनी कंपनी से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, उसकी कंपनी को जांच कर सकता है, चेक कर सकता है क्या क्या होना चाहिए। और मेरे साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर जिनका मेरे से भी ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, हरीश अरोड़ा जी, वो भी मेरे साथ हैं। हाय फ्रेंड्स, हाय। आज जिस पर चर्चा होने वाली, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। और पवन मलिक जी, मुझसे आज हमारा काफ़ी डिस्कशन चला, हमने अपने 20 साल के जो अनुभव थे, पवन जी का भी लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने अनुभव साझा किए, हमने कई अनुभवों से कई चीज़ें सीखी और हमने डिस्कशन की। जो पवन मलिक जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं, मैं आज इतनी बार जरूर बोलूँगा कि पवन मलिक जी जो भी बताने वाले हैं उसको बहुत फोकस होकर समझिएगा, और अगर आपके पास डायरी पेन भी है तो कुछ पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा जो आज पवन मलिक जी आपको बताने वाले हैं। तो मैं पवन जी से कहूँगा कि जितनी सरल भाषा में वो आपको बताने वाले हैं और इंडस्ट्री के अंदर हमारा करियर, हमारा फ्यूचर कितना बड़ा और क्या हो सकता है और उसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, जिस पर पवन जी ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करी है। और मुझे पता है कि पवन जी की फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी है, और पवन जी जैसे कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, जो उन्होंने सक्सेस ली है वो कुछ शायद चंद लोगों में हिंदुस्तान में ले पाए। तो और पवन मलिक जी का सपना आज अपने सपने अचीव करना ही नहीं है, पवन मलिक जी का कहना है कि आज जिस 34 साल की उम्र में मैंने इतने बड़े सपनों को अचीव किया, वो मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे उन सपनों को अचीव करा सकता हूँ, इसके लिए आज वो बड़े सीरियस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पवन जी से कि वो इस हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि वो क्या क्या चीज़ जो आज तैयारी करके लाए हैं, क्या बताना चाहते हैं हिंदुस्तान को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ पवन जी आपके सामने हैं, रिक्वेस्ट करूँगा पवन जी से, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, अच्छे विचार अच्छी जगह पे आते हैं। अभी हम जिम कॉर्बेट में हैं और यह एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 40 है, बहुत शुद्ध हवा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, और शाम का टाइम, आज बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की। और आज ये विचार आपसे लाइव आने का आया, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगभग 1.5 साल के बाद मैं खुद ड्राइव करके जिम कॉर्बेट में आया। आज मेरा ड्राइवर नहीं था तो मैं सुबह काफ़ी दिनों बाद अपनी जैगवार गाड़ी लेके निकला 5 बजे, और ठीक 8:30 बजे मैं रिजोर्ट में था, 300 किलोमीटर। और पिछली बार जब आया था तो मेरे घर से आने में 6 घंटे लगे, वही गाड़ी थी, वही बेहतरीन ड्राइवर था, फिर भी 6 घंटे लगे, और आज 3.5 घंटे लगे। आखिर क्या बदलाव हुआ? बदलाव हुआ कि जो भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, बहुत सारे लोग जानते हैं जब वो नैनीताल और कॉर्बेट जाते हैं तो पिलखुवा में 1-1 घंटे का जाम लगता था, बड़ा शानदार हाईवे बना, ईस्टर्न पेरिफेरल वे बना, और मैंने 300 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय किया। अब इस पूरे सफर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी गाड़ी, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी ड्राइवर। जब ये कॉम्बिनेशन बना तो मैं 3.5 घंटे में अपने रिजोर्ट में पहुंचा। तो जब मैं रिजोर्ट में आया तो बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते भी रहते हैं कि सर आप बताइए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग, जो एक बहुत पवित्र बिजनेस है, आम आदमी
कि लाइफ बदल देता है, हजारों लाखों लोगों की लाइफ भी बदली है, कुछ लोग ना इसको खराब करने पे तुले हुए हैं, वो मिसगाइडेड भी हो सकते हैं। और ये मेरी वीडियो किसी पर्सन के लिए नहीं है, मैं आज डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्यार करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में 16.5 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ और मैं इसको खराब होते हुए नहीं देखता। और मैं वीडियो हमेशा लाइव बनाता हूँ क्योंकि लाइव बात करने का अलग ही मजा है, और क्योंकि वैसे तो आप बहुत सारी फेक बातें कर सकते हैं, लाइव आप पे दिल की बातें ही कर सकते हैं। तो वो आज हम करने आए हैं। तो सबसे पहली चीज, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम इस बिजनेस में बगैर ट्रेनिंग के ज्वाइन कर लेते हैं। आज मेरा ये सेशन भी था कि दुनिया के जितने भी कारोबार हैं उनमें 3 से 5 साल की ट्रेनिंग है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो 5 साल का कोर्स करना है, मुझे CA बनना है तो 5 साल का कोर्स करना है, मुझे एडवोकेट बनना है तो 3 से 5 साल का कोर्स करना है, मुझे जो भी काम करना है उसकी पहले ट्रेनिंग है। और जब पहले ट्रेनिंग है तो आदमी को सही और गलत का आइडिया हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको वैसे तैयार भी कर दिया जाता है। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो कोई भी कंपनी वाला हमें किसी भी तरीके से गुमराह करके काम करवाता रहता है। बहुत साल पहले बहुत सारी अलग अलग कंपनियां शुरू हुई, मैं 2003 से फुल टाइम काम कर रहा हूं और मैं आज भी अपनी पहली कंपनी से बहुत प्यार करता हूं, और वो कंपनी थी हिंदुस्तान लीवर। यानी हमारी जो पढ़ाई हुई वो किसी सड़क छाप कंपनी में नहीं हुई, हमारी पढ़ाई हुई दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में, हिंदुस्तान लीवर में। और आज भी जो मैं कामयाब हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल उस कंपनी का है। और अगर वो कंपनी नहीं आई होती डायरेक्ट सेलिंग में तो शायद मैं आज इस बिजनेस में भी नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव था और उस कंपनी ने मुझे पॉजिटिव किया। और मैंने देखा उस टाइम पे बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई, बहुत सारी देसी कंपनियां आई, बहुत बड़े बड़े वायदे किए, और 23 साल हो गए इस बिजनेस में। हालांकि अभी इसने काफ़ी ग्रो किया, लेकिन मेरा मानना है कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए 10% भी नहीं है। चाइना में हमारे बाद डायरेक्ट सेलिंग गई और चाइना का टर्नओवर है $35 बिलियन, $35 बिलियन माय डियर फ्रेंड, और हमारे देश का है $2 बिलियन। हमारे देश से 15 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है चाइना, 15 से 20 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है US, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से बढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरा टॉपिक ना मार्केटिंग प्लान है ना प्रोडक्ट है, मैं उसके ऊपर भी आपको कई घंटे लाइव सेशन दे सकता हूं कि कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए, कैसा रेट होना चाहिए, इंग्रेडिएंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं किसी और दिन बात करूंगा। उनसे भी बड़ी चीज़ क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केटिंग प्लान से भी बड़ी है और प्रोडक्ट से भी बड़ी है, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। और ये आइडिया मुझे आया जब मैं आज सुबह आ रहा था, और वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, वही गाड़ी थी जैगुआर और वही ड्राइवर था पवन मलिक, उसको अपने घर से जिम कॉर्बेट आने में लगते हैं 6 घंटे और आज उसको लगे 3.5 घंटे। तो आखिर क्या ऐसी चीज है जिसमें बदलाव हुआ? बदलाव हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मुझे अपनी पहली कंपनी याद आ गई दोस्तों, आज भी मेरा मानना है कि जो प्रोडक्ट रेंज और जिसने भी हिंदुस्तान लीवर में काम किया, मेरा 7.5 साल का करियर रहा, बहुत लंबा करियर। ये नहीं कि मैंने रोज कंपनियां बदली या हर 6 महीने में कंपनी की, दुनिया भर की कंपनी की। आज बहुत सारे लोग 20-20 कंपनी करके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मैंने पहली कंपनी में ही 7.5 साल काम किया, और शायद वो अगर बंद नहीं होती तो मैं आज उसी में काम भी कर रहा होता। और उस कंपनी ने बेहतरीन प्रोडक्ट दिए, और मुझे नहीं लगता आज भी कोई हिंदुस्तानी कंपनी उससे सस्ते प्रोडक्ट दे सकती है। आपको पता है हमारे पास 60 रुपये का आंवला कैप्सूल था, हमारे पास करेला कैप्सूल था, हमारे पास बेहतरीन, और यूनिलीवर से बड़ा तो कोई ब्रांड हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम कंज्यूमर का बिजनेस है, बहुत बढ़िया बात है। मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट, ये अच्छा है या खराब है, ये कोई भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लीडर या ओनर डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे एक मूवी बना दी, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, हीरो ने उसमें, हीरो ने काम कर लिया, अब वो मूवी अच्छी है या खराब है उसको डिसाइड करेगी मार्केट।
आज मार्केट में 2 लाख की गाड़ी भी है और 10 करोड़ की भी है, हर तरीके के प्रोडक्ट हैं, हर तरीके के मार्केटिंग प्लान है, 10% वाले भी हैं, 20% वाले भी हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं, हर तरीके की प्लान है। तो प्लान अच्छा है या खराब है इसको डिसाइड करेगी जनता, आम पब्लिक, वह खुद चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम कभी नहीं चिल्लाते कि हमारा प्लान ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है, अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो लोग बार बार खरीदेंगे, और अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन दिक्कत तो तब है जब लोग प्रोडक्ट से संतुष्ट भी हो जाएंगे और फिर भी नहीं खरीदेंगे। आज मेरा टॉपिक ये है कि जब लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे और नहीं खरीदेंगे, ये मेरा सबसे बड़ा टॉपिक है। और अगर पिछले 23 साल में विदेशी कंपनियों ने और देसी कंपनियों ने इसके ऊपर काम कर लिया होता तो आज हमारे देश का टर्नओवर होता $30 बिलियन डायरेक्ट सेलिंग में, और हजारों लोग करोड़ों रुपए महीना कमाते, इतनी पावर है। कैसे वो पॉसिबल है? 2008 में हमने एक सर्वे किया मेरी टीम का, क्योंकि मैं एक स्टेटिस्टिक स्टूडेंट रहा हूं और सर्वे और डाटा मेरा जुनून है, और हमेशा मैं अपनी बात रखने विश्वास रखता हूं, और आप जानते हैं कि किसी से डर के तो मैंने काम किया नहीं लाइफ के अंदर, और इतने एक गांव से उठ के यहां तक पहुंचा। तो सर्वे में ये पाया, जब मेरी 50-60 हजार लोगों की टीम थी और मैंने कई सौ लोगों को फोन किया, और लोगों ने कहा सर हम आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं लेकिन खरीदेंगे नहीं, 10 में से 9 लोगों ने ऐसा कहा। आप सोच के देखिए आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि 10 में से 9 लोगों ने कहा संतुष्ट हैं, खरीदेंगे नहीं। क्योंकि जो आम ग्राहक होता है दोस्तों, वो बड़ा आलसी किस्म का होता है, वो जिहादी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता जो कहीं से भी सामान खरीद लेगा। जितनी भी विदेशी कंपनी आए या बहुत सारी इंडियन कंपनी है, किसी ने भी हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। और आज मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही कहूंगा कि वो अपनी कंपनियों पे प्रेशर बनाएं और उनको बोले कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। हमारे देश के डिस्ट्रीब्यूटर इतने बेहतरीन बिजनेस में है, वो बेचारे CCD में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कहाँ कहाँ बैठ के प्लान दिखाते हैं और 1 लाख कमाते हैं, और वो वहीं उनका चला जाता है, बचत ही नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो और फिर कंपनियों ने फ्रेंचाइजी मॉडल, पहले तो अपने खुद के ऑफिस डेवलप नहीं किए, ज़्यादा बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने भी 5, 10, 15, 20 ऑफिस बना दिए और बोले कुरियर से सामान आएगा। अब मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मैं 5-7 किलोमीटर के अंदर तो जा सकता हूँ, लेकिन अगर 5-7 किलोमीटर के अंदर सामान नहीं मिल रहा तो मैं फिर अपने दुकानदार के पास जाऊँगा और टूथपेस्ट ले लूँगा, क्योंकि मैं डेडिकेटेड ग्राहक नहीं हूँ कि भाई मैं 4 दिन वेट करूँगा, फिर कोरियर आएगा, फिर मैं उस सामान को लूँगा, या 2 महीना सामान आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फिर मैं लूँगा। अब संतुष्ट होने के बाद भी आदमी सामान नहीं लेगा, फिर क्या हुआ? अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कंपनियों ने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, और आज हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूं अगर सेलिंग में सबसे बड़ी लूट हुई है ना, तो फ्रेंचाइजी के नाम पे हुई है। वो लूट हुई है फ्रेंचाइजी के नाम पे, और वो क्योंकि मैं अब 17 साल से हूं और मैंने करीब कई तरीके के फ्रेंचाइजी मॉडल देखे, हर कंपनी चाहती है कि उसका कुछ ना जाए, बस डिस्ट्रीब्यूटर को फंसा लिया जाए। हाँ, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट किए, और वही कंपनियां इस देश को बदलेंगी, और जो भी कंपनी उनके उस मॉडल को कॉपी करेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और वही देश आगे बढ़ सकता है जिसके पास सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे वही कंपनी आगे बढ़ सकती है जिसके पास सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 2004 में मेरी पहली कंपनी ने फ्रेंचाइजी देनी शुरू की, तो उस मॉडल में क्या था कि आप 5-5.5 लाख रुपए दो, अपने नाम की फर्म रजिस्टर्ड करवाओ। तो हमने फर्म रजिस्टर्ड करवा ली, विजयराज एंटरप्राइजेज, किसी ने गणपति एंटरप्राइजेज, फिर उन्होंने 5-6 लाख रुपए का हमें सामान दे दिया जो हमने पैसे दिए। अब उस कंपनी को उस सामान से कोई लेना देना नहीं, अब उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को फंसा लिया। अब वो सामान बेचे, सेलटेक्स नंबर उसने लिया, वैट उसने लिया, बाद में बड़ा घाटा हुआ 1-1.5 साल बाद पता चला, क्योंकि जो कमीशन मिल रहा था वो तो रिटर्न भरने में चला गया। और क्या हुआ, उस चक्कर में कंपनी का बिजनेस बहुत खराब हुआ। फिर कुछ कंपनियों ने ऑफलाइन फ्रेंचाइजी मॉडल ट्राई किया, और आज
90% डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऑफलाइन, जिसको मैं कहता हूं इलीगल फ्रेंचाइजी मॉडल, ध्यान से आप सुनिए मेरे फ्रेंड्स, इलीगल फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। और हम क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग अंधे भगत होते हैं, जैसा कंपनी ने बोल दिया, क्योंकि हमें पहले कोर्स नहीं किया ना, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, जैसा पाठ पढ़ा दिया वैसे हम पढ़ते रहते हैं। तो आज बहुत सारी कंपनियां उस मॉडल पे काम करने लगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं और मेरा कंपनी का ऑफिस पानीपत में है और मेरा जीएसटी नंबर पानीपत में है, पूरे उसको सामान दिया, खोल ली, उसको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। अब वहां से अगर आपकी कंपनी ने फ्रेंचाइजी खोली हुई गवाना में, रोहतक में या पुणे में या कहीं भी, आप वहां सामान लेने गए, तो सबसे पहले आपको तुरंत बिल मिलना चाहिए, नहीं तो आप इसका विरोध कीजिए। आप बोलो मुझे तुरंत बिल चाहिए, नहीं तो आपकी फ्रेंचाइजी इलीगल है। क्योंकि अगर तुरंत बिल नहीं मिलेगा तो मैनिपुलेशन होगी बिजनेस में, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी चला रहा है वो आपका कस्टमर होगा और पॉइंट्स किसी और को मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, इन फ्रेंचाइजियों ने कुछ कंपनियों का बिजनेस बहुत बड़ा कर दिया जो सही तरीके से फ्रेंचाइजी चलाती हैं, और कुछ का बेड़ा गर्क कर दिया इन फ्रेंचाइजियों ने, और आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अब वो जो आम ग्राहक है उसको पॉइंट से मतलब नहीं है। कुछ कंपनियां कहती हैं 2 दिन बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ कहती हैं 3 दिन बाद, कुछ कहती हैं 5 दिन बाद। अब जब बिल मिलता है, मैं तो हैरान हो गया, ऐसी बहुत सारी, किसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जर्नल बात कर रहा हूं, और किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही है तो सही मॉडल चलाइए, नहीं है तो अपने मॉडल को ठीक कीजिए। क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग को 35 बिलियन डॉलर पे लेके जाना है इंडिया में। डायरेक्ट सेलिंग जो है आज यूएस से कम नहीं होनी चाहिए, अगले 10 साल में जाएगी इंडिया में, और हम सब डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेवारी है कि हम सही तरीके से कंपनी के मॉडल को चलवाएं। अब मैंने सामान लिया एक शहर से और बिल मिलता है दूसरे शहर का। सोचिए, मैं सोनीपत रहता हूं और मैंने सोनीपत फ्रेंचाइजी से सामान लिया और 3 दिन बाद मुझे मिलता है पानीपत का, क्योंकि जो जीएसटी नंबर है उस कंपनी का वो सिर्फ पानीपत में है और वो पूरे राष्ट्र में या यूपी बिक रहा है, एक जगह का हो रहा है। नियम के अनुसार हम जहां हमारा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है सिर्फ वही सामान बेच सकते हैं। जहां हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड है हम सिर्फ वही सामान बेच सकते हैं। अब धड़ल्ले से और भी बहुत सारी कंपनी आई थी पीछे, दमन की कंपनी ने भी बड़ा, तो जो फ्रेंचाइजी ओनर था, अभी कुछ यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में उसी मॉडल पे काम होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी कि कोई भी कंपनी है वो अपने नाम से उस एरिया में, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कंपनी का उस स्टेट का, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो दोबारा कनेक्ट हुए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी स्टेट में कंपनी का जीएसटी नंबर है, मान लीजिए एग्जांपल पानीपत। अब कंपनी ने सोनीपत अपना फ्रेंचाइजी खोलना है, तो सोनीपत ऑफिस भी कंपनी की ब्रांच होनी चाहिए, जिसको ऑपरेट डिस्ट्रीब्यूटर करे, बाकी सब चीजें वही होनी चाहिए जो पानीपत में है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इससे कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा, उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्री रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर फ्री कैसे रहेगा, जैसे मैंने अप्लाई किया, अब कंपनी वहां पे एक ब्रांच की तरह एक ब्रांच लेगी, कंपनी ऑफिस में कंपनी के एम्प्लॉय चलाएंगे और उस फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूटर चलाएगा, इतना ही फर्क होना चाहिए। जीएसटी नंबर कंपनी का होना चाहिए, सारी प्रोडक्ट की टेंशन कंपनी की होनी चाहिए। हाँ, वो मैं प्रोडक्ट दे रही है ना, तो उसके बदले एक सिक्योरिटी ले सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल 3 लाख की सिक्योरिटी दी और कंपनी ने मुझे 5 लाख का या 4 लाख का स्टॉक दे दिया, तो स्टॉक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए, चाहे एक्सपायरी हो चाहे वो स्कीम में जाए, मेरी सिर्फ सिक्योरिटी है। और अब मैं क्योंकि ऑपरेट कर रहा हूं तो ऑपरेशन कॉस्ट जो है अब उसके ऊपर मुझे कमीशन मिलना चाहिए।
अब क्योंकि वो ऑफिस कंपनी का है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो ऑफिस कंपनी का है, इसलिए कभी भी वहां गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरा, लाइव सॉफ्टवेयर चलेगा तो मेरा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा तो उसको तुरंत सामान मिलेगा और अपलाइन को तुरंत जो है पीवी मिलेंगे। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया केरला में, बेंगलोर में, आसाम में, कहीं भी, और वहां मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। और अगर ये सिस्टम नहीं है तो मैनिपुलेशन होती रहेगी और एक ही आदमी कंपनी स्ट्रांग होता रहेगा, नए आदमी के लिए उस कंपनी में स्कोप नहीं होगा। और आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला, सोच के देखिए सिस्टम हिंदुस्तान की कौन कौन सी कंपनी चला रही है। और अब उसमें क्योंकि एक ब्रांच खोलने का मिनिमम स्टैंडर्ड होगा तो उसमें 30 से 50 लोगों का ट्रेनिंग रूम भी होगा, लोग वहां जाके मीटिंग ट्रेनिंग करेंगे तो उनको सीसीडी में जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब आप अपनी कंपनी से पूछिए कि आप लीगल मॉडल पे काम कर रहे हैं या इलीगल मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब मुझे वो फ्रेंचाइजी बंद करनी है किसी कारणवश, क्योंकि स्टॉक कंपनी का है, सेलटेक्स जीएसटी नंबर कंपनी का है, तो मैं कंपनी को कहूंगा कि जी आप अपना प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्हीं का है, और जो मेरी सिक्योरिटी वापस कर दीजिए। और वो सिक्योरिटी आपकी 2 से 3 दिन में ही रिफंड होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में, तब जाके ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनेगी। और इस तरीके से बहुत सारी आज इंडिया में अच्छी कंपनियां काम भी कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ कुरियर से ही कंपनी बड़ी नहीं बनेगी। दूसरा, आपके पास बड़े बड़े वेयर हाउस होने चाहिए, और मार्केटिंग प्लान तो तब काम करेगा ना जब लोगों को सर्विस मिलेगी। और मैं प्रोडक्ट के रेट पे ज़्यादा अभी आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं किसी और दिन बात करूँगा। मेरे पास बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो है महंगा और सस्ता नहीं हो सकता। एक 10 रुपये का साबुन भी महंगा है अगर कस्टमर को समझ में ना आए। आपको पता है बाजार में 50 रुपये की 250 ग्राम चाय बिकती है, अच्छी क्वालिटी की कहते हैं वो, जो खुली चाय हम कहते हैं। मैं जब गांव में रहता था तो वही लेके आते थे। अगर वो कस्टमर को पसंद है तो 50 रुपये वाली लेगा, और लोग तो ब्रूकबॉन्ड और लिप्टन भी पीते हैं जो 120 रुपये की 250 ग्राम आती है। और लिप्टन का और ब्रूकबॉन्ड का जो टर्नओवर है वो खुली चाय से 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान लीवर में काम किया है। और हमारा उस टाइम पे जो एक लक्स साबुन ही था वो 1000 करोड़ का था, और ब्रूकबॉन्ड भी 1000 करोड़ का ब्रांड था जब हम काम करते थे। तो आप ये जो कह रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में घूम रही है, कोई प्लान रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, कोई प्राइस रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है। प्लान और प्राइस को डिसाइड करेगा काम करने वाला आदमी। जो उस चीज़ से संतुष्ट होगा तो खरीदेगा, नहीं होगा तो नहीं खरीदेगा। और अगर पैसा आएगा तो भूखे पेट तो नारे लगते नहीं, और भूखे पेट नारे लगाने भी नहीं चाहिए। लेकिन प्लान और प्रोडक्ट बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर सकते। और मैंने कहा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और ये आइडिया मुझे सुबह आया। जैसे गाड़ी और ड्राइवर तो वही था, मैं आज से 1.5 साल पहले आया जिम कॉर्बेट तो मेरे घर से 6 घंटे लगे, और आज आया तो 3.5 घंटे लगे। फर्क सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में था। अभी मैं जिस जहां पे काम कर रहा हूं, मुझे काम करते हुए मात्र 40 महीने हुए हैं, और 40 महीने बाद मेरा टर्नओवर 18 करोड़ चला गया, 25 राज्यों में बिजनेस चला गया, 1 मिलियन के करीब लोग जुड़ चुके हैं, कोई बल्क बाइंग नहीं है, जेन्युइन प्रोडक्ट बेस है, बहुत बड़ा बेस है। आज 15 तारीख और मेरा इस महीने लगभग 8 से 9 करोड़ का बिजनेस अभी तक हो चुका है, जेन्युइन रिपीट परचेज है, क्योंकि ग्राहक इतना संतुष्ट है। और ग्राहक संतुष्ट होने के बाद सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट की उसके घर के 5 किलोमीटर के अंदर अवेलेबिलिटी है। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हमारा प्रोडक्ट चाहे कितने अच्छा होता, अगर हम अमृत भी बेचते और उसको कहते हरिद्वार से लेके आओ या पहाड़ों से लेके आओ तो अमृत भी नहीं खरीदता। सबसे जरूरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा। 6 घंटे का सफर 3.5 घंटे का इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है। आज हम पहले आगरा जाते थे दिल्ली से तो 5-5 घंटे के में लगते थे, फिर बना यमुना एक्सप्रेस हाईवे और आगरा 90 मिनट में पहुंच जाते हैं। फर्क आया इंफ्रास्ट्रक्चर से,
हाँ नो डाउट अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट भी होने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ जो भी मूवी बनाता है ना, वो कहता है भाई साहब मेरी मूवी तो 500 करोड़ करेगी, 200 करोड़ करेगी। एक आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जिसने अपनी मूवी खराब बताई हो। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि दो आदमी कभी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बताएंगे, और मैं बहुत ही लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ। दो आदमी कभी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बताएंगे, एक है इंसान और एक है किसी भी कंपनी का सेल्समैन या काम करने वाला आदमी। ध्यान से सुनिए, दो आदमी कभी भी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बताएंगे। आप इस दुनिया में किसी माँ बाप को जानते हो जो कहता है अरे मेरा बेटा तो बड़ा शरारती है, बहुत शरारत करता है, चाहे वो बिल्कुल फेल होता हो कहेंगे अरे मेरा चुन्नू मुन्नू से तो अच्छा कोई है नहीं। अब ये डिसाइड करेंगे पड़ोसी की वो कितना शैतान है, डिसाइड करेंगे स्कूल के टीचर कि वो अच्छा है कि नहीं है। ऐसे ही हर कंपनी, हम होंडा में जाए, हम हुंडई में जाए, जैगवार में जाए, हर कोई बताएगा अरे मेरी गाड़ी बेस्ट है। अब बेस्ट है कि नहीं है वो डिसाइड करेगा एक ग्राहक, अगर उसे पसंद है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, तो उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। जिस भी कंपनी ने ज्यादा दाम पे प्रोडक्ट बेचा, जिस भी कंपनी ने अच्छा प्लान नहीं चलाया, ऐसी बहुत सारी विदेशी और देसी कंपनियों को इसी हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सिखाया है और आगे सिखाते रहेंगे, आगे भी सिखाते रहेंगे, उसकी तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हमें चर्चा करनी चाहिए दोस्तों खुले मंच पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि कंपनी खुलने के लिए तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए। मार्केट में दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, क्या पैसे चाहिए, कोई भी सामान बना के दे देता है। और मार्केटिंग प्लान 2 लाख रुपए दो और बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर भी बन जाते हैं, आदमी का पता चलता है उसने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। जैसे गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, सड़क नहीं बन सकती आसानी से, उसे बहुत साल लग जाते हैं अच्छा हाईवे बनाने में। अभी हमें पता है पानीपत से दिल्ली आते हैं कितनी तकलीफ होती है, 2-3 साल में भी हाईवे नहीं बना, हो सकता है और टाइम लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में समय लगता है, पैसा लगता है, और वही पता चलता है कि किस कंपनी में कितना दम है। और बहुत लोगों का दम निकलते हुए पिछले 17 साल में हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। जैसे आज मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ रहा है, आज अगर उसकी साइड में कोई पीपीएस बन जाएगा ना, और वो आधे रेट में भी मुझे मेरे बेटे को एजुकेशन देगा, तो कोई भी माँ बाप नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी पीपीएस की मार्केट में कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पीपीएस बड़ा नहीं हो सकता, पीपीएस बीपीएस से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको अपने आप को फील्ड में ज्यादा समय देना चाहिए, उसको अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी चाहिए। क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है, ब्रांड ब्रांड इसलिए होता है क्योंकि उसने सालों में एक सिस्टम से काम करके उस चीज को बनाया है, वो ओवरनाइट नहीं बनी। और अभी तो मैं इतनी सारी चीजें बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत दिनों तक चुप नहीं रह सकता। इतनी सारी चीजें हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को ठीक करने के लिए, और मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं एक ईमानदार कंपनी में काम करता हूं जिसने आज तक किसी का भी ट्रैवल फंड, कार फंड कुछ नहीं रखा। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो लीडर को छोड़ने के बाद उसके पैसे नहीं देती, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट तो मेरे पास ही है, और छोटी मोटी नहीं है। मेरी ग्रुप की वो 70-80 लाख रुपए अमाउंट बन जाएगा, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जो पेंडिंग है ट्रैवल फंड और कार फंड का। और ऐसी बहुत सारी मैं पॉइंट्स बता सकता हूँ जो आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाले लोगों को भी मेरे पास आने चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं तो 50 वीडियो का मटेरियल दे सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की सफाई के लिए। और अच्छे लोगों की बजाय वो सफाई वाली वीडियो बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऐसा डाटा है। और मैं आज से नहीं, क्योंकि ये मेरी 2003 से आदत है, और बगैर डाटा के मैं बात करता भी नहीं हूँ, और मेरा तो पूरी लाइफ इसी में चलेगी। और किताबी बातें मैंने की नहीं, जेन्युइन बातें करता हूँ, और जेन्युइन तरीके से बिजनेस बढ़ते हैं। जैसे आज पीछे ना एक बहुत बड़ा नारा चला था, आपने सुना होगा, चौकीदार चोर है। पूरे इलेक्शन में और कुछ नहीं, अब चौकीदार चोर है कि नहीं है ये डिसाइड किया हिंदुस्तान की जनता ने। और नरेंद्र मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें देके ऐसे लोगों को करारा तमाचा मारा। ये ना नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया, ना डिसाइड किया बोलने वालों ने। फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी
कह दिया भाई ऐसी चीजें बोलने से पहले 1000 बार सोचो और माफी मांगो। लेकिन वो प्रोसेस होने में भी बहुत टाइम लगा, और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी काम करने फोकस करते हैं और वो किसी को काम से जवाब देते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी यही करते थे, वो अपने काम से ही सबको जवाब देते थे। और आज पिछले साल मेरी टीम ने दोस्तों, इतनी नई टीम ने 150 करोड़ का टर्नओवर किया, इस साल हम 300 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, और जो कंपनियां मेरे साल में शुरू हुई उनको भी फिर 150, 200, 300 करोड़ के टर्नओवर करने चाहिए थे, वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरह काम कर रही हैं, उनके पास कोई भी अभी बैकअप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बैकअप नहीं होगा, बैकअप बन सकता है नो डाउट, लेकिन अभी उनको समय अपने आप को देना चाहिए और समय लगेगा। और मैं तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, और जब भी कंपटीशन होगा ग्राहक का और डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखता हूँ और संसद की चर्चा भी देखता हूँ, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कोई भी सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उसका तो हर फील्ड में मजबूत होना ज़रूरी है, और जितना मजबूत होगा उतना ही देश में देश को फ़ायदा होगा, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा और उतना ही आम आदमी को फ़ायदा होगा। और आप आज से अपनी कंपनी से पूछना शुरू कर दीजिए, अगर आपको उस एड्रेस का बिल नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ से सामान क्यों खरीदूँ, भैया आप जवाब दो ना कि आप मुझे इस एड्रेस का बिल क्यों नहीं दे रहे हो। और अगर आपकी कंपनी सेम टाइम पे पॉइंट नहीं दे रही है तो आप आज से पूछना शुरू करो कि भैया आप मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो, आप मुझे आज हम आईटी के युग में सेम टाइम पे पॉइंट क्यों नहीं मिल रहे। और दो चीज़ अगर आपने पूछनी शुरू कर दी ना तो देखना नेटो मार्केटिंग को 10 साल नहीं अगले 5 से 6 साल में ये लगभग $40 बिलियन की बनेगी और 3 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोजगार दे सकती है, 3 करोड़। और आज हमारे देश को बहुत ज़रूरत है रोज़गार की। और देखो बहुत लोग आएंगे, आज सोशल मीडिया तो भरी पड़ी है ऐसे लोगों की जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो मोटिवेशन स्पीकर बन गए, अपने आप को बड़ा बड़ा नाम बताने लगे। आजकल कुछ लोग, कंपनियां बदलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे उसके ऊपर याद आ गया कि एक आदमी, जैसे मैंने कहा ना 3 चीज़ों में दम होना चाहिए, हाईवे, गाड़ी और ड्राइवर। एक आदमी के पास BMW थी, मेरी ये स्टोरी ध्यान से सुनना, एक आदमी के पास दोस्तों BMW थी और वो BMW को क्रॉस कर दिया एक अल्टो वाले ने, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, गुस्सा इतना आया कि उसने अगले ही महीने BMW बेच के अल्टो खरीद ली, बोला साला BMW खराब है। और जब तक उसको ये बात समझ में आती ना कि प्रॉब्लम BMW में नहीं, प्रॉब्लम ड्राइवर में है और ड्राइविंग अच्छी करनी चाहिए थी, तब तक वो डायरेक्ट सेलिंग में बेचारा शहीद हो चुका होता है, और वो इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि इतने बढ़िया बिजनेस जहां दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। और मैं अपने करियर में पता नहीं कितने लोगों को इस तरीके से देख चुका हूँ, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और इसलिए आज ना बहुत सारी रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती हैं हर जगह, मोटिवेशन मोटिवेशन, आग लगा देंगे, चिरफाड़ कर देंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने रेजिडेंशियल वर्कशॉप में, आप आके देखिए, हम मोटिवेशन 10% भी नहीं देते, 100% एजुकेशनल बातें करते हैं, 100% लोगों को सही डाटा देते हैं किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ेगी। ये ओवरनाइट बिजनेस नहीं है, ये भी एक 3 से 5 साल का कोर्स है, जैसे एक डॉक्टर का होता है, जैसे एक सीए का होता है, जैसे एक वकील का होता है। अगर आप 3 से 5 साल दे सकते हैं, आप सीखने को तैयार हैं और आपकी कंपनी में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिसके दम पे चल के आप बड़ा बन सकते हैं। और अभी तो मैंने एक पॉइंट की चर्चा की है, अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पे चुनाव जीत सकता है, बड़े ध्यान से सुनिए, निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पे चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर पार्टी में दम है ना तो बगैर दम वाला आदमी भी चुनाव जीत सकता है। यह है पावर ब्रांड की, यह है पावर सिस्टम की, और बहुत सारे लोग जीतते भी हैं क्योंकि उनकी सपोर्ट करने के लिए हजारों मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आपका ज्ञान लगातार बढ़ाता रहूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप ज्ञान बढ़ाते रहिए। और आज मैं
बड़ा लकी हूं कि जब मैं लाइव कर रहा हूं तो मेरे पास दो दो एमडी बैठे हुए हैं, और दोस्तों डायरेक्टर मैं भी रहा हूं, मैंने भी कंपनी चलाई है, बहुत सारी चीजें देखी हैं और कंपनी चलाना। और अभी मेरे पास रिसेंटली इन्हीं दिनों में हमारी बात फाइनल हुई, मेरे पास बैठे हैं मधुकर शर्मा जी, जो ये आप देख पा रहे हैं मधुकर शर्मा जी को, आज इनका जन्मदिन भी है। मधुकर शर्मा जी सन भूमि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और मधुकर शर्मा जी ने 3 साल अपनी कंपनी बहुत शिद्दत से चलाई, बहुत जगह लगभग 200 स्टोर फ्रेंचाइजी भी खोली, 160 प्रोडक्ट थे। और आज इन्होंने बताया मुझे कि जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर है टूथपेस्ट बनाने वाला, साबुन बनाने वाला, उनसे अपनी टूथपेस्ट बनवाते थे, और उसके बाद और इनकी वाकई इन्हें लगता है कि इनकी टूथपेस्ट बहुत अच्छी थी, फिर भी लोग नहीं खरीदते थे क्योंकि ये 3 साल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाए। और जब ये इन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं 2025 में करने वाला हूँ वो अगर आज ही अवेलेबल है तो क्यों मैं अपने लोगों के 6 साल खराब करूँ। भाई जो चीज़ मैं 2025 में करने वाला हूँ अगर आज ही अवेलेबल है तो क्यों मैं 6 साल खराब करूँ, जब भारत सरकार ने बहुत बड़ी हाईवे बना दिए तो हम अपना हाईवे क्यों तैयार करें, एक अच्छी जगह काम करें। और आज का दिन बहुत शानदार दिन है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, माता रानी का दिन है, और सबका ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि इसको पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब कंपनियों का कारोबार बढ़ना चाहिए, और कुछ कंपनी इंडिया में जब तक हज़ार हज़ार करोड़ की नहीं बनेगी, ये बिजनेस 1 लाख करोड़ का नहीं बनेगा। सबका बड़ा बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ा सिर्फ बातों से नहीं बना जा सकता, बड़ा सिर्फ बातों से नहीं बना जा सकता, बड़ा बनने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। और वो बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं इसके ऊपर भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता। पीछे एक हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी जिसका बहुत शोर मचा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर स्टेट में उनके साथ लाखों लोग जुड़े, नो डाउट उसने बहुत अच्छा काम किया, एक स्टेट में सरकार भी बनाई, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता था और लगा था लोगों को कि ये बदल देगी, लेकिन वो क्यों नहीं बदल पाई। ओवरनाइट सक्सेस इंसान को ख़त्म करती है। अभी उनके पास पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहे थे उन्होंने 25-30 साल मेहनत करके हर स्टेट में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और आज का मेरा टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब तक किसी भी कंपनी पास, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की हो, चाहे वो देश हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने परसों ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अभी दिल्ली से कटरा तक एक नया हाईवे बन रहा है जहां 7 घंटे में आदमी पहुंचेगा। अभी वंदे मातरम 8 घंटे में पहुंचती है। अभी दिल्ली से मुंबई एक हाईवे बन रहा है 12 घंटे में पहुंचेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश को बहुत आगे ले जा सकता है, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। तो आज आप अपनी कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि लोगों का काम है गुमराह करना। और हमारे देश की सबसे खास बात है, हमारे देश की सबसे खास बात है कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। और आप मेरी इसी बात से समझ जाइए, जैसे चौकीदार चोर है, इस नारे का एक ही मतलब था, मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। क्यों? क्योंकि हम रफाल एक्सपर्ट तो थे नहीं, हमें क्या पता कहां से आता है, हम तो अपने काम के तो एक्सपर्ट नहीं, रक्षा विशेषज्ञ कहां से हो जाएंगे। डाउट, और एक बात को बार बार कहते रहो तो लोगों में डाउट क्रिएट हो जाएगा, अब आदमी सोचेगा। लेकिन आज की दुनिया दोस्तों इतनी बेवकूफ नहीं है, आज वो सब समझती है। इसलिए सोच समझ के फैसले कीजिए, अपनी लाइफ बनाइए, किसी की उंगली मत उठाइए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, इस बिजनेस को सही दिशा में लेके जाइए। और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं डिस्कस करने के, और हम तो चाहते हैं आज मेरे जो मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है और आज वो बड़े बड़े अचीवर है किसी कंपनी में, सच बताऊं ना, जब भी वो अपना चेक डालते हैं दिल खुश हो जाता देख के, इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमने ही दी थी और एक दिन सपने तो हमने दिखाए थे कि यार आप बड़े बन सकते हो। बेशक वो किसी प्लेटफॉर्म पे बड़े बने, खुशी तो खुद को ही होती है, बात वो नहीं है। हम कहीं भी काम करें, आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सफलता कब आएगी, और फोकस सबसे जरूरी है। और लास्ट में मेरा यही मैसेज है, जैसा गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा था
कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों भीम मत बनिए, दुर्योधन मत बनिए, दुशासन मत बनिए, युधिष्ठिर मत बनिए, नकुल सहदेव मत बनिए। सबने ये कहा था कि गुरुजी हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, गुरुजी हमें टहनियां दिखाई दे रही है, गुरुजी हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अर्जुन बनिए, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। आज के बाद आपको लाइफ में क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए। हाँ, कोई कंपनी ब्लंडर मिस्टेक करे वो देखिए, अपने सीनियर लोगों से बात कीजिए, सही तथ्यों पे जाइए, क्योंकि आप और हम कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, तो कोई भी हमें गुमराह कर सकता है। और ये आजकल इंग्रेडिएंट और पता नहीं क्या क्या मार्केट में चल पड़ा है। लक्स खरीदते हुए तो कोई भी ये बात नहीं करता, हमाम खरीदते हुए तो कोई भी ये बात नहीं करता, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, गुमराह किया जा सकता है। कोई ब्रेसलेट से पता नहीं क्या क्या पहले कर रहा था, मुझसे गुमराह हो रहे थे कि ब्रेसलेट पहनो इतनी ताकत आ जाएगी आप आदमी को उठा दोगे। एक दिन जब मैं हरीजी से मिला, उन्होंने वही डेमो बगैर ब्रेसलेट के कर दिया। सोचो 5-5 साल तक ब्रेसलेट से लोगों को गुमराह किया गया। तो इसलिए सही उस पर जाइए, किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखिए, अगर संतुष्ट हैं तो दोबारा आप खरीदोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। और यही चलता रहा है, इसी तरीके से काम हो रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर याद रखिए, जो ग्राहक है वो 50 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, वो ग्राहक 10 दिन वेट नहीं करेगा। अगर आपको एक्चुअल कंज्यूमर एम्पावरमेंट करनी है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बगैर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं कर पाएंगे। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने एक ऐसी कंपनी का फैसला किया, मुझे सिर्फ वेस्टिज में आने का मेरा यही कारण था कि इसके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर ये विदेशी कंपनियों ने क्रिएट कर दिया होता ना, आज हमारे देश में 1,00,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट होता। और आज मैं सभी कंपनियों को कहूंगा कि एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, हमारे लीडरों को खाना बदोश मत बनाइए कि वो बेचारे CCD में, रेस्टोरेंट में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में बैठे रहें। उनको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उन्हें प्राउड फील हो कि भाई मेरे दफ्तर में आइए, मेरा दफ्तर हिंदुस्तान के हर कोने में है, मेरी ब्रांच जो फ्रेंचाइजी ब्रांच ऑफिस है वो हिंदुस्तान के हर कोने में है। और आज के बाद गलती से भी उस जगह से सामान मत खरीदिए जो आपको उस जगह का एड्रेस ना दे रहा हो, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है। फ्रेंचाइजी पे सामान खरीदते हुए अपने इस भाई की बात आज से जरूर नोट करना, और अपनी कंपनी सवाल पूछिए कि अगर मैं सामान यहां से ले रहा हूं ना, तो बिल भी यहीं का मिलना चाहिए, क्योंकि बिग बाजार से लेके हर जगह जहां का हम सामान खरीदते हैं ना, बिल भी वहीं का मिलता है। अगर मैं कॉर्बेट के इस होटल में हूं ना, तो मुझे दिल्ली का बिल नहीं देंगे, मुझे इसी एड्रेस का बिल देंगे, और तुरंत बिल मिलना चाहिए। मैं क्यों कल का इंतजार करूं इस टेक्नोलॉजी के युग में। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैं उन सब कंपनी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो सही दिशा में जा रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहे, वो जल्दी से बदलाव लाइए, नहीं तो बदलाव की मुहिम हम छेड़ चुके हैं। और अब मैं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक यही था, बहुत सारे टॉपिक हैं, और मैं जब भी बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और मेरा काम है लोगों को गुमराह होने से बचाना, क्योंकि इस बढ़िया पवित्र इंडस्ट्री को कुछ लोग बर्बाद करने तुले हुए बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आई। अभी भारत सरकार भी सीरियस है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार ने ऑलरेडी अथॉरिटी बना रखी हैं हर चीज़ की। और अब मैं चाहूँगा कि लास्ट में जो हमारे बहुत सीनियर लीडर, जिनका खुद वो एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और 20 साल का एक्सपीरियंस, और मैं मानता हूँ मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, और आप भी मानते हैं, गिरीश अरोड़ा जी को सुन के सबका दिल खुश हो जाता है। कुछ लाइनें अब इसी के ऊपर हरीश जी भी, और मैं मिलवाता हूँ हरीश जी से। क्या बात है, सुपर ऑसम जबरदस्त। भाई पवन जी ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेके, और सच में मैं खुद हिल गया। मतलब जितने अच्छे तरीके से और जितनी सरल तरीके से पवन जी ने बताया, नो डाउट दोस्तों, मैं आज खुद इतना इंस्पायर हुआ जो मुझे आज पहली बार, मुझे भी आज एक चीज़ सुनने को मिली और मैं समझने को मिली कि हिंदुस्तान के अंदर 90% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है, वो कि लीगल नहीं है, वो इलीगल है। तो मैं बस इतना एक चीज़ समझाऊँ और मैं बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर को कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई 1-2 साल पहले स्टार्ट नहीं हुई या 3 साल पहले स्टार्ट नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट हुए आज 23 साल हो चुके हैं, 23 साल।
और पिछले 23 सालों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है कि हम अपनी ज़िंदगी के 23 साल लगा लें। मैंने एक जगह पढ़ा था और मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि हमारे पास जो 20 साल का एक्सपीरियंस है या इस इंडस्ट्री को 23 साल हो चुके हैं। दो ऑप्शन तरीके हमारे पास, एक तरीका है अपनी गलतियां कर करके सीखें, और मैंने सुना है कि समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए, और वो होते हैं नादान जो अपनी गलतियां कर करके सीखते हैं। तो पिछले 23 सालों से हम नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और किसी भी चीज़ का फ्यूचर देखने का मेरा मानना एक ही तरीका है, सिंपल 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 एक ही तरीका है कि किसी भी चीज़ का भविष्य देखने का सिंपल तरीका है उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट देख लो। जिसने पास्ट में प्रूव किया है, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, अगर हम आटा लेने जाते हैं तो कौन सा लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो कौन सा लेने जाते हैं, नमक लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, कपड़े लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, आप कहोगे हम ब्रांडेड लेते हैं। ब्रांडेड का मतलब आप सिंपल एक ही बात कहना चाहते हो, जिसने प्रूव किया है। तो आज 23 साल में जिसने प्रूव किया है उसको कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। फ्यूचर उसी के अंदर सुरक्षित है जिसने जिसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छा हो। तो पास्ट और प्रेजेंट देख लेते हैं, बातों पे भरोसा मत किए। मैं इसलिए भी ये कहना चाह रहा हूँ, और पवन जी इसलिए भी आज हम लाइन लाइन सामने फेसबुक लाइव पे आए कि कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मार्केट को, है ना। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा भैया, जिसने प्रूव किया है, बेगर कोई नंबर वन है तो वो नंबर वन क्यों है, दूसरी क्यों नहीं है, भैया तुम नंबर वन क्यों नहीं बने। तो जो नंबर वन है, जिसने प्रूव किया है अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरा मानना है 200 साल की तो है नहीं भाई, कि पहले 50 साल ट्राई कर लो फिर जो अच्छी लगे वो कर लो, है ना। जिंदगी आधी गुजर गई है, थोड़ी बहुत बची है, जिसने प्रूव किया वो हमें कर लेनी चाहिए। बस मैं इतने कहना चाहूंगा, और बाकी पवन जी के सेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसी तरीके से हम लाइव आते रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान को शानदार तरीके से अपने 20-23 साल के एक्सपीरियंस बताते रहेंगे, ताकि उनके कई साल बचा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों मैं चाहूंगा जितने भी अच्छे लीडर हैं वो इस तरीके के फेसबुक लाइव करें, और हमने इंडस्ट्री को, मैं तो हर अपनी ट्रेनिंग में दिखाता हूं कि 2030 में बिजनेस इंडिया में 35 से 40 बिलियन डॉलर होके रहेगा, अभी 2 बिलियन डॉलर है, और ये हम सब आप मिलके करेंगे। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव चीज़ें फोकस करना चाहिए, आधा गिलास खाली है देखने वाली दुनिया बहुत है मार्केट में, और मैं तो इसलिए कामयाब हुआ है क्योंकि मैं हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखता हूँ। नेगेटिव चीज़ सुनना और देखना और बोलना तीनों ही मुझे पसंद नहीं है, और खुल के बोलते हैं, खुल के विचार रखने चाहिए। और अब मैं लास्ट में आपको एक और बड़े ज़बरदस्त पर्सन, जिनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त लीडर, और आज उनका जन्मदिन भी है, तो मधुकर शर्मा जी, जिन्होंने 3 साल बहुत शिद्दत से अपनी कंपनी चलाई, प्रोडक्ट बेस बहुत शिद्दत से। और आज मैं इनसे चर्चा करा था, कह रहे थे सर लोग दीवाने थे हमारे प्रोडक्ट के, पागल थे हमारे प्रोडक्टों के पीछे, और प्लान बोले बेहतरीन प्लान, लेकिन फिर भी हम 1.5-2 करोड़ महीने से ऊपर का टर्नओवर नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा टर्नओवर करने के लिए प्लान और प्रोडक्ट 10-20% ही काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉलिड ट्रेनिंग सिस्टम। तो अभी 2-3 मिनट वो भी आपसे हाई हेलो कर लेते हैं, तो हमारे मधुकर जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जैसे पवन सर और रोडा सर ने बोला, काफ़ी कुछ मुझे आज सीखने को मिला और आपको भी मिला, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया का बहुत ही खूबसूरत उद्योग है, और इसके अंदर आप अपने फ्यूचर को खराब ना करें। मैं इस बिज़नेस को 15-16 सालों से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वेस्टीज सबको क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट प्लान का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन साथ में आपको जो है इस बिज़नेस में बड़ा काम करने के लिए, जैसे पवन सर बोल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जैसे अभी अरोड़ा सर ने बोला कि कंपनी अपने आपको प्रूव कर चुकी है, और क्यों हम बार बार ट्राई करें, जब एक सिस्टम बन चुका है पूरा, उसके ऊपर चलें हम और चल के खुद कामयाब हों और अपने लोगों को, अपनी टीम को कामयाब करें। मैं इसलिए वेस्टीज में आया क्योंकि जो मेरी टीम है, ठीक है, उसको अचीवमेंट चाहिए थी, और जो 3 साल से हम कंपनी चला रहे थे, जो हमें अचीवमेंट चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हमने पिछले साल डिसीजन लिया वेस्टीज के साथ आने का, टीम चैंपियन के साथ आने का, और दोस्तों पिछले 10 महीने के अंदर सब कुछ बदल गया। हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को हम पूरे हिंदुस्तान में लेके जा रहे हैं। पहले हमारा बिजनेस जो है ना बिहार, झारखंड, बंगाल में था, आज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं अपितु
वर्ल्ड के 2-3 देशों में भी जा चुका है दोस्तों, तो फायदा उठाइए। वो कहावत है ना, ये दूध पीने के लिए भैंस पालने की जरूरत नहीं है, दूध को परचेज भी किया जा सकता है, मेरी थ्योरी ये है दोस्तों। ठीक है, तो काफी हो चुका है लंबा, और आज मेरा जन्मदिन है, तो अभी केक सेरेमनी होनी है, एंजॉय करना है। लगे रहें दोस्तों और अच्छी कंपनी करें, अपने दिमाग को यूज करें, लोगों के बहकाव में ना आए। और आपके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि अभी हमें केक कटिंग सेरेमनी करनी है, आज मधुकर जी का जन्मदिन भी है, और आज इतने सुकून है ना, मैंने अभी सितंबर और अक्टूबर में 60 में से 50 दिन घर था। शांति जिसको चाहिए ना, मस्त लाइफ, वो एक बड़ी कंपनी में मिल सकती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही मिल सकती है, नो डाउट। प्रोडक्ट भी चाहिए, और मेरा चैलेंज है हमारे से सस्ते प्रोडक्ट, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे से सस्ते प्रोडक्ट उस क्वालिटी में हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। और मेरा तो घर का एड्रेस सबको पता है, मेरे पास आइए, हम लाइव डिस्कशन करेंगे। और मैं तो सबको बुलाता रहता हूँ, कोई आता ही नहीं मेरे पास, मैं तो सबको बुलाता रहता हूँ कि भाई मेरे पास आइए, B46 डिवाइन सिटी NH1 गन्नौर आइए, बढ़िया सा ऑफिस बना रखा मैंने, वहाँ बढ़िया आपको चाय कॉफ़ी पिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा, और दोनों भाई मिलके लाइव डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक पे। और मेरे से ओपन आदमी आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा, जो हर टॉपिक पे लाइव डिस्कशन करने को तैयार है। जितना डाटा आपको चाहिए, मैंने हिंदुस्तान की 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का आज तक का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास। आप ए से लेकर जेड तक एक कंपनी नाम बताएंगे तो मैं बताऊंगा इस कंपनी ने पिछले साल सिर्फ 2.5 करोड़ का बिजनेस किया, फिर मैं बताऊंगा इस कंपनी ने 10 करोड़ का किया, इस कंपनी ने 100 करोड़ का किया, इस कंपनी ने 500 करोड़ का किया। क्यों? क्योंकि गलती से दोस्तों स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, और एक कीड़ा है डाटा इकट्ठा करने का, एक कीड़ा है लॉजिकली बात करने का, सही तरीके से बात करो। लेकिन गुमराह करने वाले लोगों को यही कहूँगा कि गुमराह करने वालों की हालत ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहती, लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो मासूम है, वो बेचारे कन्फ्यूज जाते हैं। अगर गुमराह करना है तो हमारे जैसे लोगों को पास आइए, आओ ना गुमराह करने के लिए, हम भी गुमराह होने को तैयार हैं, हमारे साथ डिस्कशन कीजिए, बैठ के डिस्कशन करते हैं टेप बहुत सारी। देखो मेरी आदत है, मैं नेगेटिव चीज़ें डिस्कस कभी नहीं करता, और नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करनी भी नहीं चाहिए। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास नॉलेज है। और मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती, मैं तो अभी जैगवार चलाते हुए आया, बहुत बड़ा बाजार आज बन चुका है, बहुत महंगी गाड़ी है लोगों के लिए हो सकती है, मेरे पास नहीं है, कुछ लोगों के नैनो महंगी लग सकती है। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, और मैं कहता हूँ अगर लोगों को पसंद है ना, कागज़ का प्लान अमीर नहीं बनाता, कागज़ पे तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 सब अमीर बना रहे हैं सालों से, कागज़ पे तो हाइपोथेटिकली सब अमीर बना रहे हैं, वही कंपनी चलेगी जो प्रैक्टिकल अमीर बनाएगी। और 10 तारीख को फेसबुक हिल जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वेस्टीज वाले चेक की बाढ़ ले आते हैं। और मैं तो अब उससे ऊपर जा चुका हूँ, लोग पूछते शराब का जा रहे, आइए मेरे पास दिखाता हूँ मेरा चेक क्या है, अगर आपको मेरा घर देखने में आधा घंटा ना लग जाए तो गारंटी है, आके देखिए तो सही। विदेशियों की वीडियो देखी आज तक? किसी हिंदुस्तानी की वीडियो नहीं देखी होगी? लाइव आइए दोस्तों, कैलिफोर्निया नहीं जा सकते, वाशिंगटन नहीं जा सकते, मैंने भी बहुत वीडियो सुनी है। आप लोगों का भविष्य बड़ा हो, आप लोगों का फेथ क्रिएट हो, इसलिए मैंने एक ड्रीम हाउस बनाया। और अभी तो देखना, मैं इतनी सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, बहुत देश में बदलाव आएगा, और हम एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मेरे पास इतनी लाइव स्टोरी है, इतना डाटा है, मेरी टीम में कितने लोग 10,000 से ऊपर कमाते हैं, कितने लोग 5,000 से ऊपर कमाते हैं, कितने 50,000 से ऊपर कमाते हैं। अब मैं बहुत जल्दी जब डाटा दूंगा ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे रोंगटे, 10 कंपनियां मिलके भी इतने अचीवर पैदा नहीं कर सकती, 10 कंपनियां मिलके भी, क्योंकि प्लान समझता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर मैंने भी हैंडल किया, चीज़ें मैंने भी देखी, और कैलकुलेशन का मास्टर आदमी हूँ मैं, हिल जाएंगी। और मेरा, मैं तो एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज का, जिस दिन वेस्टीज ने डाटा बताया तो सब हिल जाएंगे। तो इसलिए अच्छी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, सिस्टम से काम कर रही हैं, जेन्युइन फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही हैं। साथ साथ आज का मेरा टॉपिक फिर याद रखिए, बिल वहीं का लीजिए जहां का एड्रेस है। और अब मैं, क्योंकि वो मधुकर जी मुझे बुला रहे हैं, अब दोबारा फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।